सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड ऑन कर लेना है। किसी भी ब्राउज़र से आप ओपन कर सकते हो उसमें कोई। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक होम के बाद लिस्टिंग का आता है। आपको लिस्टिंग में जाकर आपको ऐड अ न्यू लिस्टिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको करना है ऐड अन। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पर करने के बाद आपको ऐड अन न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करना है। ऐड अन न्यू लिस्टिंग पर जाने के बाद आप कुछ भी, जैसे शूज़, वॉच, सनग्लासेस, कुछ भी जो भी आपका प्रोडक्ट है आप वो डाल सकते हो। उसके लिए जैसे मेरा हेयर विके या हेयर पैच मैं डालूँगा यहाँ पर, तो मैं अपने हेयर पैच डाल सकता हूँ। मान लो हेयर विक डालनी है मुझे, तो अब मैं यहाँ पर हेयर विक कर देता हूँ क्योंकि इसमें मेरे हेयर पैच दिखा नहीं रहे। हेयर विक के नाम से शायद आ जाए। जी हाँ, हेयर विक आ चुका है। अब मैं अपनी हेयर विक, जैसे आपका सनग्लासेस होंगे तो आप वो चूज़ कर लिए, वॉच होंगे जो, ठीक है, मेरे और ह्यूमन हेयर है तो मैं सेलेक्ट ब्रांड कर लेता हूँ। अपने ब्रांड का नाम यहाँ डाल सकते हैं। मेरे ब्रांड का नाम रॉयल प्रोडक्ट्स है। रॉयल प्रोडक्ट डाल दिया। अपना चेक ब्रांड क्लिक कर कर एंटर ब्रांड में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले फ़ोटो इसमें अपलोड कर देनी है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आप डाल सकते हैं कोई भी एक फ़ोटो। जैसे मैंने सबसे मेन फ़ोटो ये ले लिया है। अपना मेन फ़ोटो ज़्यादातर दोस्तों आप अपना अच्छा रखें, जितना सबसे सबसे बढ़िया आप अपना मेन फ़ोटो रखें, ताकि आपकी जो बंदा कोई लेने वाला हो वो देख सके आपके प्रोडक्ट को अच्छे से, उसको समझ में आ जाए क्या चीज़ है ये। इसलिए मेन फ़ोटो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद मैं अपना बैक फ़ोटो और जो भी दो चार फ़ोटो हैं वो हम अपना अपलोड कर देंगे इस पर। उसको सेव कर देंगे। सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सेलर SKUID, आप कुछ भी SKUID ये होती है बस कि आपको, आप उससे पहचान जाओ। जैसे वो ऑर्डर आए तो आप पहचान जाओ कि अच्छा ये प्रोडक्ट है जो देना है मुझे। यहाँ पर लिस्टिंग स्टेटस में एक्टिव कर देना है MRP, जो भी आपके प्रोडक्ट की MRP हो। यहाँ मेरी MRP 18,000 है, मैं 18,000 कर दूंगा। मेरा सेलिंग प्राइस 10,800 है तो मैं इसको 10,800 कर दूंगा, ठीक है। फिर फुलफिलमेंट में दिख रहा होगा, फुलफिलमेंट बाय सेलर कर देना है। यहाँ पे आपके पास है, इन स्टॉक में है, कितने दिन में आप, यहाँ पर आपको डालना है कितने दिन में आप उसे प्रोवाइड करा देंगे पिकअप के लिए। एक दिन हो गया, यहाँ पे आपको अपना स्टॉक डाल देना है। शिपिंग प्रोवाइड में आएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट से अगर आप कराना चाहते हैं, लोकल डिलीवरी चार्जेस यहाँ से 41 लगते हैं, 53 और 65 जोनल, ठीक है, नॉर्मल रखते हैं 65 नेशनल, सॉरी। पैकेजिंग वेट डाल देना है आपको अपना, और जो भी आपकी पैकेज की लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और जो आपकी हाइट होगी, ये आपको डाल देना है। यहाँ पर हम ब्रेथ डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे हम अपनी हाइट। ऐसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने हेयर विक लिया तो आप हेयर विक में करें। प्रोडक्ट हटा गया। यहाँ पर आपको HSN कोड फाइंड, इस पर क्लिक करना है। फाइंड रिलेवेंट HSN कोड, जो भी आपको सबसे सूटेबल लगे आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे सेकंड वाला लग रहा है, इसे मैं सिलेक्ट कर यहाँ पर खुद ब खुद उठा लेगा ये। अब यहाँ पर टैक्स कोड डालना है। मेरा टैक्स कोड मैंने 0 में लिया है तो 0। कंट्री ओरिजिन डालनी है यहाँ पर, हम कंट्री ओरिजिन ये इंडिया है तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी मैनुफैक्चर डिटेल्स डाल सकते हैं और पेकर डिटेल्स। मैनुफैक्चर डिटेल्स में मैं डालूँगा इंडिया दिल्ली, और पैकर डिटेल्स में भी मैं इंडिया दिल्ली डालूँगा क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, रहता हूँ, और दिल्ली में मेरे पैकेज मैनुफैक्चर होता है और पैकर भी दिल्ली में ही होता है। आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका मैनुफैक्चर होता हो, जहाँ आपका पैक होता हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेव दिख रहा होगा, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हो गया सेव। अब एडिट पे कर देना है। मॉडल नंबर डालना है आपको यहाँ पर। मॉडल नंबर आप जो भी, जैसे भी मॉडल हो, जैसे आपको शूज़ है कि आपके जैसे शूज़ हैं उनका मॉडल नंबर डाल देना है। यहाँ पर मेरा मिराज हेयर पैच फॉर मैन डालूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा मॉडल नंबर यही है, ठीक है। फिर ब्रांड कलर, जो भी आपको इसके ब्रांड का कलर हो वो डाल देना है। ब्लैक है मेरे ब्रांड का कलर तो मैं ब्लैक डाल देता हूँ। आइडल फॉर मैन, क्योंकि मैन के लिए ही है तो इसलिए मैन के लिए कर दें। हेयर टाइप ह्यूमन हेयर, मटेरियल टाइप मेरा ह्यूमन हेयर रहेगा,
ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट की हो वो आप कर सकते हैं। स्टाइल मेरा स्ट्रेट है, इन सबका ये सब तो मैं अपने प्रोडक्ट के उससे डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, या इंस्टा आईडी पे आप मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा आईडी का आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आप अपनी हेडलाइन डाल दीजिए, कैप साइज और सेल्स पैकेजेस। और यहाँ पर आपको अब सेव कर देना है ताकि आपका जो भी आपने डाला है वो सेव हो जाए। ठीक है, हमारे दो बिल्कुल राइट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो बस सिर्फ यही कर कर भी सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं, आप चेक कर जा सकते हैं। सबसे मेन रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन, जैसे आपका डिस्क्रिप्शन होगा वैसे ही लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन डालना है, नहीं तो मैं आपको एक प्रोमो दिखा रहा हूँ कैसे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। डालिए आप हेयर पैच फॉर ओनली मैन, डाल दिया मैंने यहाँ पर ओनली ह्यूमंस हेयर। ओके, अपने डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, उसकी खासियतें लिख सकते हैं। सर्च कीवर्ड्स, कीवर्ड जैसे कि आपको किस नाम से आपका सर्च होगा। आपका मेरा हेयर पैच है तो मैं यहाँ पर हेयर पैच डालूंगा, ह्यूमन हेयर विग डालूंगा एटसेट्रा, जिससे आप सर्च कर सकते हैं। ह्यूमन हेयर डाल दिया मैंने यहाँ पर, ऐसे ही आप डाल सकते हैं। बाकी इसको आपको करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आता है, आपको सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन फिल करके यहाँ से क्यूसी भी कर सकते हैं। यहाँ पर वारंटी मांग रहा है अगर आपके प्रोडक्ट की वारंटी, तो आप वारंटी डाल दीजिए। फिर यहाँ से आप सेव पर भी क्लिक कर, सेव पर क्लिक करने के बाद आप सेव कर सकते हैं इसे। यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट